ऑटोमैक्स टूल्स के YouTube चैनल में खुशामदीन। आज हम बात करेंगे Autel के IM508 की प्रोग्रामिंग और डायग्नोस्टिक टूल के बारे में। ये एक 7 इंच की टैबलेट के साथ आता है, वायर्ड कनेक्शन OBD, और इसके साथ आप बंडल में XP400, G-Box और APB एमुलेटर भी ले सकते हैं। इसके बॉक्स के अंदर XP400 शामिल नहीं है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे जो है वो किसी भी टूल के ऊपर लगाते हो तो ये आपकी पहचान होता है। Automax Tools पाकिस्तान में वो वाहिद कंपनी है जो Autel की वेबसाइट पे लिस्टेड है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमारी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप Autel की वेबसाइट autel.com पे भी अवेलेबल है। Automax Tools से आपको लेने का फ़ायदा ये है कि आपको जब भी आप डिवाइस लेते हैं तो हमारे इंजीनियर्स के टेक्निकल ग्रुप में ऐड किया जाता है, आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है और सबसे पहले आपको न्यूज़ दी जाती है जो भी नया अपडेट आ रहा है। वारंटी कवरेज के सिलसिले में हमारा ऑफिस पाकिस्तान में ही मौजूद है। वैसे तो Autel की प्रोडक्ट्स बेहतरीन काम करती हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के वजह से इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आ सकती हैं। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी इंजीनियर्स की टीम हर वक्त आपके पास व्हाट्सएप, स्काइप और टीम व्यूअर के थ्रू कनेक्टेड होती है। Autel IM508 के लेटेस्ट अपडेट में 2022 वर्जन में आपको स्पेशल फंक्शन, कैलिब्रेशन और सर्विस फंक्शन की ऑप्शन भी दे दी गई है। मतलब अब ये एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक टूल और की प्रोग्रामर है। अगर आप IM508 को G-Box 2, XP400, APB112 एमुलेटर के साथ परचेज करेंगे तो आप इसको एक फुल फ्लेज की प्रोग्रामर, ECU क्लोनिंग, एयरबैग रीसेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल फंक्शन के साथ इसका ECU स्पेशल फंक्शन, कैलिब्रेशन, ABS कैलिब्रेशन भी अब ऐड कर दी गई है। अगर आप इस वक्त स्क्रीन में देख सकते हैं तो इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। एमो का फंक्शन आप की प्रोग्रामर के लिए यूज़ करेंगे। प्रोग्रामर जो है वो XP400 जब आप इसको बंडल के साथ खरीदेंगे, या इसका XP200 जो IM508 के साथ आता है, आप प्रोग्रामर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑप्शन मैं आपको चेक करके बताता हूँ इसके बाद। राइट की बाय डम, इसके अंदर जो फाइल स्टोर्ड हैं ट्रांसपोंडर की, वो आप जो है वो की पे राइट कर सकते हैं XP200 या XP400 के ज़रिए। और डायग्नोस्टिक ऑप्शन में नॉर्मल डायग्नोस्टिक, जिसके साथ आप स्पेशल फंक्शन, कैलिब्रेशन, रीड कोड, इरेज कोड कर सकते हैं। मैं आपको एक लैंड रोवर का डायग्नोस्ट करके बताता हूँ। ये ऑटो विन फीचर के साथ आता है। 99% गाड़ियाँ जो है ये ऑटो विन के साथ आप रीड कर सकते हो, तो आपको मैनुअल सेलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ब्रांड्स में आपको मैनुअल सिलेक्शन मॉडल के ज़रिए करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑटो विन रीड किया है इसने, ये गाड़ी की इंफॉर्मेशन आ रही है। इसमें अब हॉट फंक्शंस अवेलेबल हैं, डायग्नोसिस है, सर्विस फंक्शंस है। हॉट फंक्शंस के अंदर इसका स्टीयरिंग एंगल का प्रोग्राम, TPMS का, ऑयल रीसेट, ब्रेक ब्लीड, ट्रांसमिशन अडॉप्टेशन, ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपको गाड़ी के और कंट्रोल मॉड्यूल के हिसाब से हर गाड़ी में डिफरेंट आ सकते हैं। ट्रबल कोड्स आएगा जिसमें आप रीड कोड और इरेज कोड कर सकते हो। लाइव डाटा है, और जो नई अपडेट आई है 22 वर्जन में, उसमें आपको अब एक्टिव टेस्ट की फंक्शन भी अवेलेबल है। ये एक्टिव टेस्ट का फंक्शन इससे पहले पुराने IM508 में अवेलेबल नहीं था। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो IM508 का 2022 वर्जन है 64 GB के साथ आता है, और इसके अंदर एक्सटर्नल SD कार्ड की भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप XP400 को एज अ बंडल बाय करेंगे तो आपके पास प्रोग्रामर के ऑप्शन में एयरबैग डाटा रीसेट, ECU रीडिंग, राइटिंग, EEPROM रीडिंग, और मर्सिडीज और BMW की चाबी, IR की और नॉर्मल की फॉर BMW भी आप इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। IM508 को यूज़ करते हुए आप Autel की यूनिवर्सल की जो नई मार्केट में लॉन्च हुई है, जिसमें Autel के डिज़ाइन में निसान, होंडा, BMW, GM और ट्रेजलर के डिज़ाइन की अब तक कीज मौजूद हैं जो किसी भी गाड़ी के लिए प्रोग्राम की जा सकती हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका अंदर का मेन्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये तमाम ऑप्शंस मैं आपको अगली वीडियोस में परफॉर्म करके बताऊंगा। और यहाँ पे आपको रिमोट डिटेक्शन, की रीड राइट और रिमोट आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपको EEPROM या MCU या ECU रीड राइट करना है, वो ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। आपके पास MCU रीडिंग का ऑप्शन है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, एयरबैग, इमोबिलाइजर, ये तमाम ऑप्शंस आप XP400 के ज़रिए IM508 में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने
मर्सिडीज और BMW के इंजन कंट्रोल और ट्रांसमिशन कंट्रोल ISN रीडिंग या मर्सिडीज बेंज की ट्रांसमिशन और इंजन कंट्रोल जिसे हम ज़ीरो करना कहते हैं, यूज्ड पार्ट को जब आप नए पार्ट में लगाएंगे तो उसके लिए जी बॉक्स इस्तेमाल करना होता है। ये भी आप बंडल के तौर पर IN508 के साथ यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट की प्रोग्रामिंग के लिए टोयोटा और हुंडई के लिए APB112 एमुलेटर IM508 के साथ यूज़ किया जा सकता है। IM508 के अंदर ECU अडॉप्टर्स जो EEPROM रीडिंग के लिए आते हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको EEPROM रीडिंग और इमोबिलाइजर की प्रोग्रामिंग का तरीका बताएंगे। जब भी आप ऑटोमैक्स टूल से IM508 लोगे तो उसमें आपको फेसबुक और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, जिसके अंदर आप अपने बहुत सारे सवाल जो आपको दौरान इस्तेमाल पेश आएंगे हमारे इंजीनियर्स आपकी रहनुमाई के लिए उसमें जवाब दे सकते हैं। ऑटोमैक्स टूल से अगर आप ये बंडल बाय करेंगे तो आपको बेस्ट प्राइस के साथ फ्री डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा ऑटोमैक्स टूल्स की बेस्ट सर्विस एंड सपोर्ट, आफ्टर सेल सपोर्ट भी आपको मिलेगी। तो आज ही अपना ये टूल ऑर्डर कीजिए। हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ये हमारी वेबसाइट है। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस किया हो या आपके कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी सर्विस और सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आउटेल और हमारे डायग्नोस्टिक टूल की तरफ से मिल सके। थैंक यू।